Hello students, welcome to BBVN online classes. Myself Mamta. And in our last video, we were reading about One Summer Night, a story of a simple ordinary person, that is Henry Armstrong, buried in a cemetery. And the two young students and one caretaker of cemetery was digging his grave. ठीक है, आप क्यों उस ग्रेव को डिक कर रहे थे? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग तो बेचारा अच्छा खासा लिविंग मैन था, उसको क्यों ब्यूरी किया गया? ये आंसर्स हमें मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाला जो हम पैराग्राफ है उसमें. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द वर्क ऑफ एक्सकेवेशन वॉज नॉट डिफिकल्ट. एक्सकेवेशन का मतलब होता है जो चीज़ें खुदाई का काम जो है वो. वाई इट वॉज नॉट डिफिकल्ट. द अर्थ with which the grave had been loosely filled a few hours before offered little resistance and was soon thrown out. Why so? Because वो धरती जहाँ पर उस ग्रेव को बहुत ही कुछ घंटों पहले क्या किया गया था, दफनाया गया था, ठीक है, और लूजली जो है उसको दफनाया गया था या लूजली उसको फिल किया गया था आपने, जो है वो पूरा का पूरा जो कास्केट है वो रख दिया और उसके बाद में ऊपर से एकदम सिंपल लूजली मिट्टी डाल दी, तो उसको खोदना क्या रहेगा, ईजी रहेगा. तो ये काम जो एक्सकेवेशन का काम है वो बहुत ही ईजी था और बहुत ही बिना किसी दिक्कत के जो है वो ग्रेव जो है वो क्लियर कर दी गई. रिमूवल ऑफ द कास्केट फ्रॉम हिज ग्रेव वॉज लेस ईजी. और फिर उस ग्रेव में से, ठीक है, उस कास्केट जिसके अंदर बॉडी जो है वो लेटी हुई थी या बॉडी को दफनाया गया था, जो एक बॉक्स होता है आपने देखा भी होगा ब्राउन कलर का बॉक्स, ठीक है, वो जो है निकाला गया. बट इट वॉज टेकन आउट. और फिर जो है उसको बाहर निकाल लिया गया. बट फॉर इट वॉज अ परक्विजाइट ऑफ जेस. अब उसको खोलना, ये पूरा का पूरा राइट किसका था? जेस का. और ये काम उसका फेवरेट भी था क्योंकि वो सोचता था कि ये सारी अथॉरिटी किसके पास में है? मेरे पास में. बिकॉज हु इज़ द केयर टेकर? आई एम द केयर टेकर. सो ही केयरफुली अनस्क्रूड द कवर. और फिर उसने बहुत ही ध्यान से जो कास्केट का जो मेन कवर था वो हटाया. एंड लेड इट असाइड. और फिर उस कवर को अलग किया. एक्सपोजिंग द बॉडी इन ब्लैक ट्राउज़र एंड वाइट शर्ट. और जो बॉडी थी वो किस में थी? ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था और वाइट कलर की शर्ट थी. एट दैट इंस्टेंट अ क्रैकिंग शॉक ऑफ थंडर क्राइज. उसी टाइम पे क्या होता है, अब ऊपर बताया गया था ना कि वेस्ट की तरफ से बिजली जो है वो धीरे थोड़ी थोड़ी चमक रही थी, ऐसा लग रहा था तूफान आने वाला है. उसी टाइम पे एक बहुत ज़ोर का थंडर हुआ, बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई जिसने कि पूरे वर्ल्ड को स्टंड कर दिया था, यानी कि सरप्राइज कर दिया था, आश्चर्य में डाल दिया था. एंड हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रैंक्वली सेट अप. और उस इतनी भारी गर्जना को सुनकर हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जो बेचारा उसमें लेटा हुआ पड़ा था, जिसको मरा हुआ मानकर लोग दफना के चले गए थे, वो उठ खड़ा हुआ. विच इन आर्टिकुलेट क्राइज द टू स्टूडेंट्स फ्लैड इन टेरर. और विद इन आर्टिकुलेटेड क्राइज, इतनी मतलब वो बेचारे जो दो यंग मेडिकली स्टूडेंट थे, जब एक डेड बॉडी उठ के खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, आप डर जाएंगे. तो इस डर में वो चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गए. इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है ऐसी क्राइज जो कि सुनी नहीं गई, सुनी तो गई बट समझ में नहीं आई, ठीक है. नथिंग ऑन अर्थ कुड हैव परसुएडेड द टू टू रिटर्न. और इस धरती पर ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, कोई इंसान नहीं था जो कि उनको वापस से मना कर वहाँ पर ला सके, क्योंकि सिचुएशन बहुत हॉरिबल थी. डार्क नाइट, थंडर हो रहा है और आपके पास में जो डेड बॉडी है वो उठ के खड़ी हो गई. बट जेस वॉज ऑफ अनादर ब्रीड. लेकिन जेस को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ऐसा लगता था कि वो तो किसी और ही जाति का है या वंश का है या ब्रीड का है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. इन द ग्रे ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब पूरा सूर्य जो है वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, द टू स्टूडेंट्स, वही दो स्टूडेंट्स पेल्ड एंड हैंगर्ड, बेचारे बहुत ही टायर्ड और डरे हुए से फ्रॉम एंजाइटी, जो कल रात हुआ उसकी थकान अभी भी उनके फेसेस पे देखी जा सकती थी. विद द टेरर ऑफ देयर एडवेंचर स्ट्रिंग बीटिंग ट्यूमेंटलेसली इन देयर ब्लड. क्योंकि जो
टेरर है, जो डर है, जो कि कल रात उनके साथ में हुआ था, अभी भी उसकी हार्ट बीट जो है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अभी तक क्या था, बहुत ही ज़्यादा हाई था। मेट एट द मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज में रात बीतने के बाद में दोनों मिलते हैं। यू सॉ इट, क्राइड वन, दोनों में से एक यंग मैन कहता है दूसरे को, तुमने देखा? गॉड यस, व्हाट आर वी टू डू? तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल ईश्वर, हमने देखा, अब हम क्या करेंगे। दे वेंट अराउंड टू रियर ऑफ द बिल्डिंग वेयर दे सो अ हॉर्स एंड वैगन हिस्ट टू अ गेट पोस्ट नियर द डोर ऑफ द डिसेक्टिंग रूम। दे वेंट अराउंड टू द रियर ऑफ द बिल्डिंग, रियर ऑफ द बिल्डिंग का मतलब होता है एक बिल्डिंग होती है उसके पीछे जो है कुछ स्पेस खाली रहता है और वहाँ पर आपने एक रूम बना रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर दे वेंट अराउंड टू द रियर ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है उनके कॉलेज की उसके पीछे की तरफ वो जाते हैं, वेयर दे सो, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक घोड़ा जो है वो है, एंड वैगन यानी कि जो व्हीकल उस घोड़े के साथ में बंधी हुई है वो हिस्ड बांधा गया है टू ए गेट पोस्ट, गेट का जो मेन गेट होता है वहाँ पर, नियर द डोर ऑफ द डिसेक्टिंग रूम, और जो अलग रूम है डिसेक्ट कर रहा है उस बिल्डिंग को, वहाँ पर उसी का जो मेन डोर है उसी के पास में उस घोड़े को, उस व्हीकल को बांधा गया है। मैकेनिकली दे एंटर द रूम, और अब जो है वो उस रूम के अंदर एंटर करते हैं उस घोड़े और वैगन को देखने के बाद में। ऑन अ बेंच, और वो देखते हैं कि एक बेंच पर इन द सेमी डार्कनेस, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और थोड़ा थोड़ा लाइट जो है वो दिखाया गया है, सेट जैज, जैज बैठा हुआ है, ही रोज ग्रीनिंग ऑल आईज एंड ट्रीट, ग्रीनिंग का मतलब होता है स्माइलिंग। तो वो बैठा हुआ था आराम से, अब वो उन दोनों को देख के खड़ा हो गया और उसने बड़ी सी स्माइल दी अपनी आँखों और टीथ को दिखाते हुए। आई एम वेटिंग फॉर माई पे, ही सेड, और फिर वो कहता है मैं अपने पैसे का इंतज़ार कर रहा हूँ, कब पेमेंट करेंगे आप मुझे। स्ट्रेच्ड ऑन अ लॉन्ग टेबल लेय द बॉडी ऑफ हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, और वहाँ पर जो लंबी सी बेंच थी, जो लंबी सी टेबल थी, वहाँ पर क्या था, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। द हेड डिफाइल्ड विद ब्लड एंड क्ले फ्रॉम अ ब्लो विद अ स्पैड, और उसका जो हेड है ऐसा लग रहा, उससे खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा, मिट्टी लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि फावड़े का, ठीक है, फावड़ा क्या होता है, जो स्पैड होती है ना जिससे अपन मिट्टी को खोदते हैं, ऐसा लग रहा था कि उससे उसके सर पर बहुत ज़्यादा किसी ने बहुत ज़ोर से मारा है, ठीक है। तो कहानी का मतलब क्या हुआ, दो यंग मैन जब चले गए वहाँ से, तो जो बेचारा ये था हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग जो मरा नहीं था उसको, सॉरी ये रहा वाइट शर्ट में, उसको क्या किया गया, जो जैस था उसने इस, देखिए ये रहा इस पैड, इसकी सहायता से उसके सर पर मारा और उसको वाकई में मार दिया गया। और अब शायद अब वो पेमेंट मांग रहा है, इसका मतलब ये यंग मेडिकल स्टूडेंट हैं, इनको बॉडीज जो हैं वो एक्सपेरिमेंट के, प्रैक्टिकल वर्क के लिए चाहिए होती है, तो इसने कहा होगा इनको कि मैं तुम्हें बॉडी दूंगा और तुम मुझे पेमेंट कर देना, तो वो अब अपनी बॉडी दे रहा है हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग की और उनसे उसको पेमेंट चाहिए। ये लिखा है एम्बरस वेरिस ने, ये स्टोरी लिखी है, एक यंग राइटर हैं, एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। हियर आर सम वर्ड मीनिंग्स, जो कि आप जो हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं। देन वी हैव सम क्वेश्चन ऑल्सो, आई विल सेंड यू, ट्रू फॉल्स है, पहले ये दो हैं, आंसर दीज क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आप लोगों को लिखने हैं, देन स्टेट ट्रू और फॉल्स, आफ्टर दैट वी हैव फोर क्वेश्चंस जिनके मैं पीडीएफ के थ्रू आपको भेज देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर अपने अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू।